ये है नागेश्वर भी एक ज्योतिर्लिंग, सोमनाथ, नागेश्वर, केदारनाथ, ओंकारेश्वर, बैद्यनाथ, शंकर जी और पार्वती जी के। तो हम पहुंच गए हैं फाइनली नागेश्वर। ये आ गया है, ये है नागेश्वर का गेट मंदिर का। चलिए चलते हैं अंदर। इधर मूर्ति बनी हुई है, देखिए बड़ा सा गेट लगा हुआ है और उसके, और यहाँ पे देखिए टूरिस्ट बहुत सारे आते हैं आसपास देखिए। और इस मंदिर का क्या विशेषता है थोड़ा सा जानते हैं अंदर जाकर के। और हम एंट्री कर रहे हैं यहाँ से, देखते हैं, खाइए एक बार, एक घुमा के पूरा मंदिर का परिसर जो है और मंदिर जो है। श्री नागेश्वर में भगवान शंकर की नाग रूप से और देवी पार्वती की नागिन रूप से पूजा होती है, इसलिए नागेश्वर में अपने जीवन की रक्षा के लिए गंगा जल के अभिषेक के साथ नाग नागिन का जोड़ा चढ़ाने का महत्व है। नाग नागिन का जोड़ा चढ़ाने का महत्व है। द्वापर युग में भगवान कृष्ण कई बार अभिषेक पूजा किया हुआ है। प्रसाद है यहाँ पे, सब तरीके के प्रसाद है और यहाँ से आप नाग नागिन के जोड़े को चढ़ा सकते हैं। ये नाग नागिन के जोड़े को यहाँ पे देख सकते हैं। कितने का प्रसाद है? 250 रुपये का है। और 250 ना, ये 250 का है, ये 60 सेकंड। इसमें नारियल बड़ा है और उसमें नाग नागिन भी थोड़े से बड़े हैं। तो ये मतलब माता जी को साड़ी आता है, भगवान का धोती आता है, शंकर जी और पार्वती जी के मंदिर परिसर। और यहाँ पर आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर जो मंदिर है उसमें लोग पूजा अर्चना कर रहे हैं नागेश्वर जी की। और यहाँ से आप देख सकते हैं नागेश्वर जी हैं, ये साक्षात दर्शन यहाँ से नागेश्वर मंदिर का आप यहाँ से कर सकते हैं। और यहाँ से दर्शन करने के बाद यहाँ पर लोग चला, कैसे हुआ दर्शन आपका? शिवलिंग बना हुआ है ना, वो पत्थर का नहीं है लेकिन एक चमकता हुआ कुछ चीज़ है जिसके शिवलिंग बना हुआ है, जो कि जैसे स्टील नुमा किसी धातु से बना हुआ है वो शिवलिंग, और उस पर बना हुआ है बाकायदा, मतलब जो माथे पे इस तरह से बनाते हैं तो उस तरह से उसका डिज़ाइन बना हुआ है। बाकी लोग वहाँ पे जो यहाँ से जो प्रसाद ले रहे हैं वो वहाँ जाके अंदर जाके चढ़ा सकते हैं, लेकिन हम लोगों को अंदर जाना अलाउड नहीं है वैसे, बस इतना ही जा सकते हैं जो लोग प्रसाद चढ़ा रहे हैं। जो लोग प्रसाद ले रहे हैं वही चढ़ा रहे हैं? हाँ, वही जा रहे हैं, बाकी तो अगर जाना चाहें तो लोग जा सकते हैं। बाकी प्रसाद का रेट भी काफ़ी महंगा है। हाँ, 50 का रेट, वो प्रसाद प्रसाद का रेट हाँ ज़्यादा। और ये है नंदी भगवान जी, नंदी भगवान जी घर में धंधा हो गया इसलिए थोड़ा, ये बहुत बड़ा त्रिशूल। और त्रिशूल है जिसमें लिखा है कि श्री चौड़ागढ़ पंच कमेटी की तरफ श्री बड़ी माता मंदिर, राम मंदिर। तो त्रिशूल का साइज आप देख लीजिए कितना बड़ा है, उसमें नाग बने हुए हैं और डमरू है जो। ये है नागेश्वर भी एक ज्योतिर्लिंग, सोमनाथ, नागेश्वर, केदारनाथ, ओंकारेश्वर, बैद्यनाथ, काशी विश्वनाथ, महाकालेश्वर, भीमाशंकर, रामेश्वर। तो ये उनमें से भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक नागेश्वर है ना। ये देखिए आसपास का जो माहौल है वो देखिए, मंदिर के आसपास क्या है, परिसर क्या है लोग। तो यहाँ पे काफ़ी लोग आए हुए हैं, ये आप देख सकते हैं फैमिलीज़ के साथ लोग आए हुए हैं। और मंदिर काफ़ी बड़ा है, ये एग्ज़िट हमने कर लिया है यहाँ से, यहाँ पे छोटे छोटे मंदिर बने हुए हैं साथ में। और अब हम जा रहे हैं आगे की ओर, देखते हैं कि यहाँ पे और क्या कुछ है। यहाँ पे शनि मंदिर है जो बनाया हुआ है, वो इस तरफ है जाने का रास्ता। देखिए तालाब है पीछे, क्या है? मछली के लिए किस चीज़ का होता है? आटा, ओके, आटा, आटा का, ये जो मछली का बना हुआ है। नागेश्वर तालाब है ये, और यहाँ से आपको नागेश्वर मंदिर से ये तालाब आपको दिख जाएगा। ये इतना अच्छा नज़ारा है इस तालाब का, आप देखिए। तो ये शिवजी जी की विशालकाय मूर्ति प्रतिमा है यहाँ पर।
हमने आपको दिखाया, लाइव दर्शन कराए कि नागेश्वर महादेव मंदिर में क्या कुछ है, क्या यहाँ पे कैसे आप लोग आ सकते हैं। हम लोग स्कूटी से आए तो आप लोग भी बस से या अपने व्हीकल से आ सकते हैं, और यहाँ की तो तमाम मान्यता ही हैं। तो फिलहाल हम लोग को इस ये व्लॉग यहीं तक हम आपको दिखाएंगे, बाकी फिर हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में।